एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल सो ऑन आवर चैनल टेक्नोक्रेप विल बी गोइंग थ्रू फर्दर टॉपिक्स रिगार्डिंग द स्ट्रिंग्स बट दोज हुर न्यू टू दिस चैनल सो वॉट दे कैन डू आई मीन इफ दे वॉन्ट अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक रिगार्डिंग लेट्स ए पाइथन प्रोग्रामिंग एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग सो डायरेक्टली आप यहाँ पे चैनल पर जाके वीडियोज़ में यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और लेट्स से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखना है हर एक चीज सो वॉट यू कैन डू फ्रॉम योर एंड दिस इज फ्रॉम माई एंड एज अ क्रिएटर इफ़ यू गो टू द होम एंड इफ यू गो टू द प्ले लिस्ट तो आपको भी अपने एंड से इस तरह की प्ले लिस्ट बहुत सारी मिल जाएगी राइट सो टिल नाउ वी हैव अपलोडेड फिफ्टी टू वीडियोज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सो दोज़ हुट टू लर्न द पाइथन प्रोग्रामिंग दे कैन जस्ट गो टू दिस प्ले लिस्ट और यहाँ से जाके आपको पूरा प्ले मिल जाएगा एंड आई रिकमेंड के इफ यू आर लर्निंग दिस फर्स्ट टाइम सो जस्ट गो इन दिस सिक्वेंशियल ऑर्डर राइट यही ऑर्डर में इस चीज को फॉलो करते जाइए वीलॉक्स के नंबर्स पे है यहाँ पे एंड ग्रेजुअली वंस यू रिच टू द एंड ऑफ द प्ले लिस्ट आई एम श्योर कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा दोज हु आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग एंड इफ दे वॉन्ट टू लर्न

आपको बहुत सारा यहां पे सीखने को मिल जाएगा राइट इफ यू आर स्टूडेंट सो आपको एग्जाम रिलेटेड भी मिल जाएगा इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द जॉब परपज सो उसमें भी आपको लॉजिकल और टॉपिक समझने में ये दोनों प्लेलिस्ट बहुत सारी हेल्प करेगी दोस्त हु फॉर इफ दे वॉन्ट टू लर्न अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग सो आईव ऑल्सो कवर अप दर डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस इन फिफ्टी थ्री वीडियोस ऑफकोर्स आई एल बी अपडेटिंग दिस ऑल ऑफ दिस प्ले लिस्ट बट जैसे जैसे कंटेंट uh, आता जाएगा जैसे जैसे कुछ चीजें मिलती जाएगी राइट आई बी अपडेटिंग दिस प्ले लिस्ट ऑन द डिमांड तो आप यहाँ पे अभी ये कंप्लीट है ये कंप्लीट है यहाँ पे ये कंप्लीट है सो यू कैन जस्ट गो टू द प्ले लिस्ट किस तरह से देखना है मैंने आपको समझा दिया यू हैव टू गो टू द पर्टिकुलर फील्ड और यहाँ से प्ले लिस्ट करके आप यहां से पूरा आपके एंड पे ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा सो so, आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टार्ट कीजिए अगर आई कंसीडर कि अगर लेट्स से 50 टू 53 वीडियोस है एंड इफ यू वांट टू लर्न इट इन वेरी शॉर्ट टाइम सो आप कुछ अपना टाइमलाइन करके यहां पे प्लान कर सकते हैं राइट right? हार्डली आप एक दो महीने में ये पूरा यहाँ पे डेडिकेशन के साथ कवर कर सकते हैं सो आई डेफिनेटली रिकमेंड के आप यहाँ पे जाइए एंड अलग अलग चीजों को यहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए राइट सो फर्दर की अपडेटिंग न्यू प्ले लिस्ट ऑल्सो बेज ऑन द डिमांड और बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी राइट सो लेट्स गो बैक टू अवर पाइथन प्रोग्रामिंग प्ले लिस्ट एंड लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर टॉपिक तो हम यहाँ प्रिवियसली हमारे स्ट्रिंग सीरीज के प्लेलिस्ट को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे सो so, प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे देखा कि हाउ वी कैन जिस क्रिएट द स्ट्रिंग हाउ वी कैन डिक्लेयर द स्ट्रिंग हाउ वी कैन एक्सेस द स्ट्रिंग किस हिसाब से स्ट्रिंग का स्टोरेज हो रहा है किस हिसाब से इंडेक्सिंग पे कौन सा वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है किसको हम फॉरवर्ड इंडेक्स किसको रिवर्स इंडेक्स बोलेंगे सो आई हैव ऑल्सो कवर अप इन द प्रीवियस वीडियो यू कैन जस्ट चेक द प्रीवियस वीडियो और यहाँ पे एक प्रोग्राम से हम ट्राई करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फर्दर इसमें और भी क्या प्रोग्रामिंग यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है राइट और वॉट काइंड ऑफ फर्दर चैलेंजेस और यू कैन से द प्रॉब्लम डेफिनेशन यू कैन गेट इन द एग्जाम मे बी इन द इंटरव्यू सो यहाँ पे ये यह चीज़ हो सकता है लेट्स से कि आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है राइट इफ़ यू आर हैविंग एन ए स्ट्रिंग और लेट्स इफ़ यूजर इज डिक्लेयरिंग एनिंग ऑफ द स्ट्रिंग एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट

वॉवल्स के जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू टेक इनपुट एज एस टाइम यू हैव टू राइट सत लॉजिक और लॉजिक के हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा कि जो क्या करेगा कि वो आपका वॉवल्स टोटली यहाँ पे काउंट करके देगा राइट सो ऑफकोर्स वॉवल्स हमें यहाँ पे पता ही है कि वॉवल्स आपके क्या हो सकते हैं सो दैट इज ए आई ओ यू यही चीज़ में कैपिटल में भी लिख दूंगा ए ई आई ओ यू राइट सो इस हिसाब से आपको क्या करना है कि जो भी आपकी इनपुट स्ट्रिंग है और उसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने यहाँ पे आ रहे हैं वो चीज़ को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा सो फॉर एग्जाम्पल वट आई हैव टेकन आई हैव टेकन द इनपुट स्ट्रिंग एज अस टी आर वन और एस टी आर वन में आई हैव जस्ट द वैल्यू सन मून ये मेरा स्ट्रिंग है क्योंकि इट्स मल्टीपल कैरेक्टर तो ऑफकोर्स यहाँ पे किस हिसाब से स्टोरिंग होगा सो प्रीवियस जिसने चेक किया है सो so, उसको पता होगा कि लेट्स से इफ आई एम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द फॉरवर्ड इंडेक्स तो फॉरवर्ड इंडेक्स में आपका स्टोर होगा जीरो इंडेक्स पे एस वन इंडेक्स पे यू सेकेंड पे एन स्पेस यहाँ पे काउंट होगा फोर पे होगा एम होगा ओ सिक्स पे होगा ओ एंड सेवन पे होगा ओ राइट वस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यूज लेट से कैरेक्टर बेस्ड ऑन द इंडेक्स तो यहां पर अगर मैं फॉरवर्ड इंडेक्स के कंसेप्ट को यूज करूंगा और इस हिसाब से लिखूंगा सो वट आई विल गेट आउटपुट तो यहां पर मुझे निकल के आएगा सो दट इज एम राइट अगर मैं रिवर्स इंडेक्सिंग के हिसाब से सोचू तो रिवर्स इंडेक्सिंग में अगर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूं माइनस सिक्स तो यहां पे मुझे क्या आउटपुट निकल के आएगा सो आई गेट द आंसर एज अ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में ये डिरेक्शन में यहाँ पे काउंट हो रहा है रिवर्स इंडेक्स के कंसेप्ट में यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे काउंटिंग हो रही है राइट right? सो so आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा फॉरवर्ड इंडेक्स में इट विल स्टार्ट विद द जीरो पोजिशन रिवर्स इंडेक्स में जीरो नहीं है दैट इज स्टार्टिंग विद द माइनस वन पोजिशन फ्रॉम एंड ऑफ द स्ट्रिंग तो एक तो मेरा कंसेप्ट हो गया ये वाला ये आपको यहाँ पे आ चुका है अब यहाँ पे आपको क्या करना है इन दिस प्रोग्राम सो बेसिकली वॉट यू रिक्वायर यू हैव टू ट्रावर्स द एंटायर स्ट्रिंग वन बाय वन सो वॉट आई मीन कि आपका कोई पॉइंटर होगा कि हर एक कैरेक्टर पे यहाँ पे जाएगा राइट right? पहले तो ये रिक्वायरमेंट है मेरी क्योंकि मुझे पूरी स्ट्रिंग में से फाइंड करना है कि ये स्ट्रिंग में मेरे टोटल वोवेल्स कितने हैं आई होप यू आर गेटिंग तो यहाँ से आपका एक कर्सर होगा तो ये कर्सर आप इस हिसाब से आपका पोजिशन पे जाएगा एंड इट विल जस्ट पैच वैल्यू इन दिस फैशन अब यहाँ पे एक्सेसिंग मेथड कोई भी हो सकता है यू कैन गो थ्रू फॉरवर्ड इंडेक्स यू कैन गो थ्रू रिवर्स इंडेक्स उसके बाद क्या होगा ये पहला लॉजिक हो गया दूसरा लॉजिक ये है कि इस हिसाब से ट्रावर्जर के लिए ऑफकोर्स यू रिक्वायर फॉरलुक फॉरलुक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जहां से ये हर एक स्ट्रिंग को एक्सेस करेगा सो दिस वी हैव जस्ट कवर अपीवियस वीडियो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग नोट सीन द प्रीवियस वीडियो चेक द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट अब एक्सेस होके मुझे इस तरह से यहां पे पूरे कैरेक्टर्स यहां पे मिल चुका है थर्ड अब मेरा लॉजिक क्या होना चाहिए थर्ड लॉजिक ये हो गया कि सिंपल ही है कि यहाँ पे लेट्स से मेरा पहला कैरेक्टर आया एम सो मुझे क्या करना पड़ेगा सो कोर्स आई हैव टू कंपेयर इट विद द वॉवल्स कि हाँ इनमें से ये कोई है कि नहीं है राइट द वे आई एम स्पीकिंग

कंपेरिजन के लिए कोई कंपेरेटर ऑपरेटर लगेगा सो सॉफ्टकॉर्स विल बी यूजिंग द कंपेरेटर ऑपरेटर तो ये यहां पे क्या होगा चेक करेगा यहां पे हर एक बॉवल के साथ क्या ये चीज है तो देखने में ही पता चल रहा है कि ये नहीं है राइट अगेन दैट विल दिस गो फर्दर एंड दैट विल चेक विद द फर्दर कैरेक्टर फ्रॉम द बॉवल क्या ये है तो नहीं है तो यहां एक कंपेरिजन भी हो रहा है और साथ साथ में मैं क्या बोल रहा हूं क्या ये चीज है सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो मेरा यहाँ पे कुछ काउंट होना चाहिए कि हाँ मुझे वॉवल मिल चुका है राइट आई होप यू आर गेटिंग कि अगर एम है तो हर एक वॉवेल के लिए चेक कर लेगा सो आंसर मिलेगा नो राइट right? इसी तरह से यू है तो यू भी क्या होगा यहां पे वॉवल के साथ हर एक कैरेक्टर के साथ वो मैच करेगा कि ये मेरा वोवेल है कि नहीं है राइट सो लेट्स से कि यहां पे मैचिंग कब होगा सो so, एग्जैक्ट आपका मैचिंग होगा U डबल इक्वल टू कैपिटल U तो ये कंडीशन आपकी यहां पे ट्रू होगी राइट right? बिकॉज मुझे देखने पे पता चल रहा है कि यहां पे आई एम हैविंग द वोवेल राइट ये और ये आपका लेट से ये कैपिटल में है सो so ये वाला आपका सेम है तो अब मुझे पता चल गया कि यू मेरा ऑलरेडी वॉवल है सो so ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो तब जाके मैं क्या करूंगा आई विल जस्ट इंक्रीज माई काउंट मतलब मैं अब काउंट करूँगा येस तो ये मेरा पहला कैरेक्टर मिल चुका है फ्रॉम द स्ट्रिंग विच इज अ अल तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक काउंट वेरिएबल भी लेना पड़ेगा कि जो इनिशियली होगा जीरो राइट बेसिकली काउंटिंग ही हो रही है और कुछ ज्यादा लॉजिक है नहीं और हर बार क्या करूंगा? जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी इनमें से मैच होगा तब मेरा काउंट क्या होगा दैट विल बी काउंट प्लस वन राइट सो इस हिसाब से आपका काउंट वेरिएबल अपडेट होता जाएगा तो यू मुझे यहां पे मिल चुका है फर्दर चेक करेगा एन के लिए स्पेस के लिए एम के लिए ओ के लिए अब यहाँ पे आया तो यहाँ तक क्या होगा कि आपकी कंडीशन फॉल्स होगी और जब भी यहाँ पे आएगा इट विल अगेन चेक वेदर ओ इक्वल टू ओ राइट सो ये यहाँ पे है तो क्या होगा काउंट की वैल्यू वापस इंक्रीज होगी तो काउंट में पहले क्या था जीरो प्लस वन तो काउंट में था वन अब वापस क्या होगा काउंट की वैल्यू ये मेरा फार्मूला है होप यू आर गेटिंग यहाँ पे स्टोर कर रहे है। तब काउंट में आ चुका है कंडीशन अगर ट्रू है तो काउंट आपका एक बढ़ जाएगा अगेन काउंट प्लस वन काउंट में वैल्यू है वन प्लस वन तो काउंट आपका यहाँ पे अब इंक्रीमेंट होके हो जाएगा दैट इज टू इट मींस ड्यूरिंग द ट्रावल ऑफ द स्ट्रिंग आई है टू टाइम्स वॉवल इन स्ट्रिंग तो यही चीज जो कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly हमें यही चीज को कोडिंग में कन्वर्ट करना है राइट सो आई होप आई हैव गिवन इनफ हिंट कि यहां से आपको बहुत सारी चीज समझ आ जाएगी कि किस हिसाब से यहाँ पे कोडिंग आपका एग्जीब्यूशन में हो नाउ वी आर ऑन द कोडिंग पार्ट कि यहाँ पे कोडिंग कैसे करेंगे सो so ऑफकोर्स जिस हिसाब से हमने यहाँ पे प्लानिंग किया है एग्जैक्टली विल बी राइटिंग द कोड सो फर्स्ट विल बी डिक्लेयरिंग एस टी आर वन तो इसको अगर नॉर्मल प्रिंट लेना है सो so ये चीज आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर नॉर्मल प्रिंट लेंगे सो so आपका यहाँ पे इस हिसाब से आउटपुट जनरेट हो जाएगा राइट right? ये कैटेगरी आपकी स्ट्रिंग है टाइप लिख के आप चेक कर सकते हैं नाउ अगर मेरे को स्पेसिफिक यहाँ पे कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है सो so, ऑफकोर्स इस हिसाब से यहाँ पे भी आपका कैरेक्टर एक्सेस हो जाएगा राइट वट आई एम डूइंग यहाँ जैसे मैंने बोला कि आल जस्ट ट्राई टू टीच यू इंच एंड एवरी सिंगल कंसेप्ट यहाँ पे ये यह मेरा क्या हो रहा है सो so, यहाँ पे आपका साइज स्लाइजिंग ऑपरेशन यहाँ पे हम साथ साथ में भी कर रहे हैं वट आई एम डूइंग प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले बोला था कि यहां पे मुझे हर एक कैरेक्टर के लिए एस टी आर जीरो एस टी आर वन लिखना पड़ रहा है सो so अब यहाँ पे हम अपडेट होके क्या हुए अब मैंने क्या किया आई हैव जस्ट पासिंग द इंडेक्स तो यहाँ आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे पूरा पैच हो चुका है इफ आई एल राइट नाइन एज अ इंडेक्स तो यहाँ पे आपका स्पेसिंग भी बढ़ता जाएगा बट हमारा टारगेट अभी ये नहीं है बट so right ये मैंने आपको दिखा दिया कि आपको एस टी आर जीरो इंडेक्स के लिए यहाँ पे इस हिसाब से भी बिना लिखे भी आप पूरा स्ट्रिंग को यहाँ पे एक्सेस कर सक कर पाएंगे आई होप यू आर गेटिंग वट आम जस्ट वाइंग टू से आपको इस हिसाब से लिखना पड़ता है टू एक्सेस स्पेसिफिक इंडेक्स पोजिशन राइट सो इस हिसाब से लिखते जाएंगे सो so आपका यहाँ पे पूरा एक्सेस होगा नाउ फर्दर इन द प्रोग्राम आपको क्या करना पड़ेगा जैसे मैंने बोला कि मेरे को फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू अब यहां पे प्रोग्राम लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं इंप्लीमेंटेशन हो सकता है आई एम जस्ट पिकिंग वन लॉजिक एंड जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि इस हिसाब से अब भी आप यहां पे प्रोग्राम लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे सो विल बी एक्सेसिंग दिस स्ट्रिंग अगर जिसको नहीं पता एक बार दिखा देता हूँ मैं सो so, अगर मैं फॉर लूप से स्ट्रिंग को एक्सेस करूँगा सो आई की पोजिशन के लिए ये हर एक इंडेक्स पे जाएगा एंड इट विल जस्ट टावर दस्ट स्ट्रिंग और आपको यहाँ पे इस हिसाब से हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक इंडेक्स पोजिशन के लिए वेदर इट्स आई मीन यहाँ पे तो अभी फॉरवर्ड इंडेक्स ही चल रहा है सो so, वो इंडेक्स पे जाएगा और वो हर एक कैरेक्टर को फैच करके लाएगा राइट सो यहां पे एक स्टेप आपका हो चुका है कि हर कैरेक्टर को फैच कर लिया अब दूसरा जो है यहां कमेंट में लिखते हैं इसको हमारा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ व्हाट वी रिक्वायर जैसे मैंने पहले ही बोला कि यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें हर एक बार कंपेयर करवाना पड़ेगा राइट सो कंपैरिजन के लिए जैसे मैंने बोला कि एक कंडीशन आपकी लगेगी अब कंडीशन में यहाँ पे मैं क्या करूंगा सिंपली आई बी यूजिंग द इफ ब्लॉक ईफेल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं सो दो नॉट सीन द दिल्स वीडियो फ्रॉम द प्ले लिस्ट दे कैन चेक ईफेल्स के भी यहाँ पे हमने वीडियो कवर किए हुए हैं सो हाउ बी यूजिंग दिस कंडीशन्स इन अवर कोड राइट सो यहाँ पे क्या होगा सिंपली आई बी चेकिंग फॉर ईच आई मतलब हर एक ये कैरेक्टर को मैं कंपेयर करवाऊंगा के साथ राइट right? सो so, मैं क्या लिखूंगा कि अगर मेरा आई जो है जैसे हमने बोला कि डबल ऑपरेटर से हमारा कंपेयर होगा और यहां पर लिखूंगा मैं इफ दैट इज ए या तो फिर अगर मेरा कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग में से या तो वो स्मॉल ए भी हो सकता है आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से हम यहां पर कोडिंग को कर, कर रहे हैं सो so, या तो कैपिटल ए हो या तो स्मॉल ए हो या तो फिर हम ये लिखेंगे कि यहां पे और ऑपरेटर में कर रहा हूं क्योंकि और ऑपरेटर से अगर कोई भी एक कंडीशन सही है इन दैट केस इट विल जस्ट चेक एंड विल बी डूइंग द काउंटिंग तो अगर ए मैं लिख देता हूं आई इसको ले लेते नीचे आई ए हो गया ई e हो गया आई हो गया यहां पे ओ मैं दोनों केस में ओ को कवर कर रहा हूं हर एक वॉवल्स को दोनों केस में कर रहा हूं दैट इज अपर केस एज वेल एज द लोअर केस सो so, स्ट्रिंग कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है अपर लोअर तो दोनों को हम कंपेयर करवा लेंगे एक साथ ही अगर वो लोअर केस में है तब भी होगा अपर केस में होगा तब भी होगा ए ई आई ओ यू राइट इनमें से अगर कोई भी यहां पे होगा सो दैट विल बी काउंटिंग एज अ वोवेल ये क्या हो रहा है कि यहां पे ंग दस इंटेक्स एरर बिकॉज यहाँ पे वो पूरा अलग लाइन में इसको कंसिडर कर रहा है गेस और वी कैन चेक कहा एरर यहाँ पे हो सकता है ओके okay, एंट्र करके चेक करते हैं ओके सो लेट्स कीप इट इन वन लाइन ओनली सो जिसको नहीं दिख रहा सो अब यहाँ यहां पे आप चेक कर सकते हैं एंड यहां अभी आपका आ रहा है लेट्स सी ये पूरा हो गया ए के लिए यह हो गया आपका ई e के लिए और ये हो गया आई के लिए ये हो गया ओ के लिए ये हो गया यू के लिए टू सॉल्व द एरर अब यहां पे मुझे क्या चाहिए कि यहां पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए कि जो क्या करेगा दैट विल ऑलवेज बी काउंटिंग तो अगर जिसने इफ ब्लॉक को पढ़ा है सो उसको पता होगा सिंपली इफ इनमें से कोई भी कंडीशन आपका सही होगा राइट right? अगर यही सही है पूरे में तब भी काउंट आपका बढ़ेगा अगर यही सही है तब भी आपका काउंट बढ़ेगा बिकॉज इट्स अ ऑर ऑपरेटर और ऑपरेटर में इनमें से कोई भी एक सही होगा तब भी वो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर पाएगा सो वॉट आई बी राइटिंग आई बी राइटिंग कि अगर इनमें से कोई है तो मेरा एक काउंट यहां पे सिंपली बढ़ा दे और यहां पे क्या होगा आखिरी में विल जस्ट ट्राई टू चेक टोटल वॉवल्स और काउंट प्रिंट करना पड़ेगा तब भी आपको समझ आएगा राइट प्लस रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड कि यहां पे ये यह हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ओके सो यहां पे आप कोड कोड में कोई एर नहीं है तो यहाँ पे टोटल देखिए कि मेरा वॉवल्स गिन के आ रहा है थ्री सो क्या मेरा थ्री यहाँ पे है सो आप देखते जाइए यहाँ पे काउंट कीजिए एस मेरा वॉवल नहीं है यू नहीं है एन नहीं है एम नहीं है यहाँ पे देखिए ओ ओ यहाँ पे दो बार आ रहा है और ये भी है सॉरी यहाँ पे टोटल तीन है मेरे ये लेवल पे कंडीशन एक ट्रू होगा और ये दोनों पे आपका ट्रू होगा बिकॉज यू जो है कहां पे है यू मेरा यहां पे है ओ कहां पे है सो so, ओ मेरा यहां पे है राइट सो इन दोनों कंडीशन के लिए ही मेरा इफ ब्लॉक ट्रू होगा आई होप यू आर गेटिंग लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यहां पे किस हिसाब से आपका चलेगा सो so, इसको अपन ले लेते हैं द न्यू फाइल यहां पे फॉर लूप से क्या होगा हर एक पोजीशन के लिए यहां पे इस हिसाब से ट्रावर्स करेगा और हर एक कैरेक्टर के लिए ये कंपेरिजन चेक करेगा एस के लिए चेक करेगा सो so एस यहाँ कहीं पे नहीं है राइट यू कैन चेक इट ओवर हियर यहाँ एस कहीं पे नहीं है सो हाउ माई इफ ब्लॉक वर्कस कि अगर ऊपर की कंडीशन ट्रू होगी तब भी जाके अंदर वाला ये आपका एग्जीक्यूट होगा राइट अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तब भी ये एग्जीक्यूट होगा एल्स सिंपली यहाँ पे फॉल लुप आपकी चलती रहेगी बिकॉज दैट इज विद दिस इंटेंडेशन फॉर लुक मेरा ओके लेट्स रिमूव दिस फॉर लुक जो मेरा यहाँ पे चल रहा है सो दैट इज डूइंग दिस ऑपरेशन ईच एंड एवरी टाइम और ई फेल्स के लिए जो चल रहा है सो कलर चेंज कर देते हैं रेड इफ एल्स यहाँ पे चल रहा है टू चेक दिस कंडीशन यहां तक मेरा इफ ब्लॉक है तो इफ ब्लॉक आपका तब भी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी अदरवाइज ये फॉर लूप आपका चलता रहेगा इट विल कीप ऑन स्कैनिंग द एवरी कैरेक्टर अगेन इट विल कम इट विल जस्ट टू कंपेरिजन ऑपरेशन इफ द ऑपरेशन इज ट्रू तो तब जाके यहाँ पे एंटर होगा अब कब ट्रू हो रहा है आप समझिए के लिए कंपैरिजन यहाँ पे ट्रू हो रहा है तब जाके यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड दैट इज बिकमिंग वन तो काउंट की वैल्यू अब वन हो चुका है दूसरी बार यहां पे आएगा इट विल कंपेयर तो वो कहां पे है यहां पे है तो काउंट वापस बढ़ के इंक्रीमेंट होके हो जाएगा टू जब यहाँ पे आएगा वापस आपका यहीं पे है तो काउंट इंक्रीमेंट हो के हो जाएगा थ्री तो फाइनली ये थ्री जो है वो क्या हो रहा है तो यहाँ पे वो हम ये लेवल पे इस चीज को प्रिंट कर रहे हैं सो दैट इज वाई इट्स गिविंग द आंसर देर आर थ्री वॉवल्स इन द स्ट्रिंग सो आई होप आपको कोड एग्जीक्यूशन समझ आया होगा अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज करके सी सेम स्ट्रिंग रखते हैं एंड इसको कर देते हैं छोटा एस यू एन एम डब्ल्यू एन ओके स्टिल माई आउटपुट इज गेटिंग करेक्ट थ्री राइट बिकॉज वी हैव जस्ट ट्राई टू कंपेयर इट कंपेर विदर केस एज वेल एज लोअर केस लेट्स ट्राई टू कम चेंज द स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या करेंगे Elephant को ले लेते हैं तो अब आप यहां पे अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए यहां पे आपका एक दो तीन राइट सो यू आर गेटिंग द आउटपुट ओके चेंज कर लेते हैं लेट्स से टेन तो टेन में आपका आउटपुट आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स आर वन राइट right? यहाँ पे सिर्फ ई ही है सो आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है बट आई एम जस्ट टू गिव यू माई बेस्ट कि यहाँ पे आप यहाँ तक अगर देख रहे हैं इट मीन्स यू आर फॉलोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग और कोर्स यहाँ तक तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ आए होगा कि किस हिसाब से हमने क्या लॉजिक यूज किया और अब सेम लॉजिक से हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग को अचीव कर सकते हैं जस्ट राइट टू अंडरस्टैंड के किस हिसाब से कोडिंग होगा क्या रिक्वायरमेंट होगी और किस हिसाब से मैं लॉजिक को यूज करूँगा और आपके पास बहुत सारा यहाँ पे नॉलेज है आप सिर्फ आपको एक डिरेक्शन की जरूरत है कि क्या यूज करने से क्या चीज़ हो सकता है राइट right? जिसको कोडिंग समझ नहीं आता तो आप एक एक, एक, एक छोटी छोटी चीज को पकड़िए एंड जस्ट राइट टू मेक इट द लार्जर प्रोग्राम तो इसी से आपसे हम कोडिंग को यहाँ पे सीख पाएंगे सो आई होप इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज सो जस्ट हिट द लाइक बटन लाइक कोई करता नहीं सो आई गेस यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियोज अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए राइट सो थैंक यू फॉर लस्टिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग विडियोज